अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस मुद्दे पे बात करना चाह रही थी कि सिंगल विमेन जो डिवोर्सीज हैं या विडोज हैं जिनके पास छोटे मासूम बच्चे हैं, तो हम उनको मदद करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं उनके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा बुरखा है फिर भी मांग रहे हैं, या अच्छा घर है देखो मांग रहे हैं। तो वी नेवर नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। अच्छे कपड़े रहने से या एक घर अपना ओन हाउस ओन करने से भी ये गारंटी नहीं रहती कि उनको मुस्तकिल कोई इनकम है। अगर एजुकेटेड नहीं है और सुफीद पोश है जो मांगते भी नहीं किसी से, तो उनकी हम फिक्र करना है। देखिए, दुनिया दो दिन में ख़त्म होगी, लेकिन सुभान अल्लाह जिस तरह आज हम हमारे बच्चों की फिक्र करते हैं, उनके खानों की, उनके कपड़ों की, उनके पढ़ाई की, तो एक सिंगल वुमेन जो रहते विडोज़ हैं उनको जो है एक ज़रिया ख़त्म हो जाता। आज सदका देखे दे रहे हम तो पूरी दुनिया को दिखा के देते, लेकिन हमको ताकीद की गई कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को बताना चले। बस आज अपने घरों से, अपने फैमिली से निकल के भी कोई दुनिया है बाहर, अपने घरों के बाजू भी घर है, तो हम थोड़ी बहुत एज अ मुस्लिम, एज अ मोमिन, और जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स है उस पे थोड़ा चलने की कोशिश कर। पहले सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जैसे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये लोग रातों में निकल के जो है जो भी ज़रूरतमंद रहते थे, बेवाएँ हैं, सुभान अल्लाह, रातों में जाके उनके पास जो है उनके खाने का इंतज़ाम कर देते थे, रख देते थे रातों के अंधेरों में, चावल है, अंडे है, रोज़ की तरकारी है, तेल है, रोटी है, ये चीज़ों की आज हमारे पास जो है कदर नहीं है। कपड़े है, जिसके पास नहीं है उनको कदर रहती, आज हम इसका शुक्र अदा नहीं करते। रोटी मिल रही अच्छा नहीं है, बिरयानी भी पकी तो मज़ा नहीं आया बोलते, ये उनसे पूछना जो अंडों के लिए, एक एक अंडे के लिए तरसते अपने मासूम बच्चों के लिए, रोटी के लिए तरस जाते, कभी रोटी चुराते तो उनको खूब मार पड़ते, ये चीज़ों ये क्या है। आज हम फिक्र ही छोड़ दिए, आज हमको फिक्रे हैं तो हमारे डायमंड सेट का डिज़ाइन कैसा होगा, या फला शादी जो न जाने कितने सालों बाद या महीनों बाद है उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी साड़ी की लेस की डिज़ाइनिंग, उस पे लाखों के पैसे। आज हमारा दिल बिल्कुल मरे हुए है, हमारे दिल पत्थर, पत्थर तो बहुत अच्छा लफ्ज़ है, रॉटन है हमारे दिल दिमाग, ज़िंदा नहीं है हम लोग, बिल्कुल मुर्दा है। जो सिर्फ हम जानवर तो भी एटलीस्ट काएं काएं एक दूसरे को बुलाते, दे इनवाइट व्हेन दे ईट, लेकिन आज हमारे दिल इतने मुर्दा और रॉटन हैं कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के सिवा, अपने भूत बोले तो अपनी फैमिली के सिवा, बीवी बच्चों के या शोहर के सिवा, आगे ऐसा हमारा ना सर उठ रहा, ना हमारा लेवल उठ रहा उस लेवल तक, सुभान अल्लाह, है ना, कोई और देख लेते, इस तरह के हो गए हम। तो बस अल्लाह से मांगना है, देखिए बोलने कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह हम सबको जो है, मुझे भी और हम सबको हिदायत दे कि हम थोड़ी बहुत एवरी डे जायज़ा लें कि मैं आज क्या करी जो अल्लाह को खुश करने का अमल बना। और सबसे ज़्यादा खुशी सुभान अल्लाह देने में है, लेने में नहीं। When you really start helping people, when you start giving to people, then you will realize the happiness, it is worth it. It is priceless when you help people and the happiness, and when you get smile on others people, wo jo happiness rehti subhanallah, it is priceless. Aur meri ye request hai, humble request, ki just try, koshish karna hai humko ek din har mahina kisi ki zimmedari le lein, जो शायद हमारे निजात का ज़रिया बन जाए, हमारे ख़बर का अज़ाब जो है कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, हमको जन्नत का ज़रिया बन जाए, वो जो हम बिना कोई यानी एक्सपेक्टेशन के किसी को हेल्प करने वाले बने। आज हम हेल्प करते लेकिन फिर कुछ अंदर से नियत रहती कि दे शुड हेल्प मी बैक
फला क्लिनिक में भेजे किसी को, तो फिर कुछ आना है, एक्सपेक्टेशंस रहना है, मैं उनकी हेल्प करी, वो भी मुझे हेल्प करें बैक। ये नीयत ख़त्म हो के विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस हम जो है जो भी ज़रूरतमंद है बहुत है। और द प्रॉब्लम इज़ आजकल फ्रॉड इतना बढ़ गया है कि आप हम स्वैलो नहीं कर सकते। अगर कोई हेल्प करने भी जा रहे हैं तो हमारी सुभान अल्लाह हमको डाउट आता कि अरे यही फ्रॉड होंगे। वाकई में आई अग्री विद दिस, क्योंकि इतना फ्रॉड फैला हुआ है, इतना धोखेबाजी भरी हुई है कि बहुत धोखा है। और कोई जेन्युइन सिंसियरली कोई हेल्प भी कर रहा तो वी डोंट ट्रस्ट। तो बस अल्लाह हमारे लिए आसानियां फरमाए इंशाल्लाह, और हमारे जो है निजात का ज़रिया बना दे इसको इंशाल्लाह। थोड़ी सी फिक्र, बस थोड़ी सी, यानी अपने आसपास के हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, किसी की फिक्र लेके एक बार करके भूलना नहीं है। एवरी मंथ है, एवरी डे है, थोड़ा बहुत हम किसी के काम आने वाले बनना है इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।